वेलकम बैक, मैं हूँ आजम फारूकी। आपकी स्क्रीन पे जो फैशन ट्रेंड का बैनर नजर आ रहा है सोशल मीडिया पोस्टर, चलिए हम आपको बताते हैं कि ये बनता कैसे है और हमने इसको बनाया कैसे है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम रेक्टेंगल टूल में। रेक्टेंगल टूल जाने के बाद इसको ड्रैग करेंगे और इसको साइज देंगे 10.5 और 5.5 इंच, 10.5 एंड 5। ओके, साइज हो गया। उसके बाद जो है इसी ऑब्जेक्ट के अगर कॉपी करेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी करने के बाद इसको इसका एक और कॉपी करेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल कंट्रोल कॉपी करने के बाद इसी ऑब्जेक्ट करें इस ऑब्जेक्ट को करते हैं हम कर्व है कंट्रोल क्यू। उसके बाद शेप टूल में इस वाले कॉर्नर को इस वाले को हम हल्का अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, इस तरह ड्रैग करके माउस से ड्रैग करके ले जाएंगे। ठीक है, माउस से ड्रैग करके कीबोर्ड के एरो बटन से ऊपर नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। इतना हो गया। उसको क्या करेंगे हम इस चारों को यूं सेलेक्ट कर लेंगे, चारों कॉर्नर को। उसके बाद जो हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से कर देंगे इसको कन्वर्ट टू कर्व। उसको क्या करेंगे हम इस वाले एरो से इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इस वाले एरो से इसको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको और हम देखते हुए जाएंगे, इसको ऊपर तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो एक और कॉपी करेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, टैब दबाएंगे, टैब दबाने से नीचे सेलेक्ट होता है, इसको हम लेकर जाएंगे आगे के इस तरफ, आगे की तरफ। ठीक है, काफी है। उसको क्या करेंगे इस वाले नीचे वाले ऑब्जेक्ट से शिफ्ट दबाकर इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देंगे हम इसको इंटरसेक्ट, उसके बाद इसको कर देंगे हम डिलीट। अब इसमें जो हमें करना है कलर, ठीक है, कलर जो हमें ऑलरेडी बना रखा है। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे ये ऊपर वाले को, उसके बाद जाएंगे एडिट में, यहाँ पे आ रहा कॉपी फ्रॉम प्रॉपर्टीज, यहाँ से करेंगे फिल, और यहाँ से फिल करने के बाद कर देंगे ओके, और इसके बाद इस वाले कलर पर हम कर देंगे क्लिक और इसका आउटलाइन कर देंगे नन। अब इस वाले में कर देंगे हम कलर ये वाला फिल 100% सियान और 20% मेजेंटा। ठीक है, ये कलर हमारा यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कलर जो है फाउंटेन फिल फिल किया गया है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से शिफ्ट F11 से जाएंगे और यहाँ पे इस तरह इसमें कलर कर देंगे, इसमें हल्का किसी से भारी किसी में कुछ इस तरह करके इसमें हम कलर करेंगे। ठीक है, ये कलर हमारा हो चुका है। उसके बाद जो है हमें इसमें लगाना है पहले फोटो। ठीक है, ये फोटो मैंने लगा रखा है, इसी फोटो पे माउस का राइट प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ रहा है पावर क्लिप इन साइड, इसको इस यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से जाएंगे एडिट पावर क्लिप में, उसके बाद जो है इस फोटो का हम इस तरह करके एडजस्ट करेंगे। ठीक है, F4, इसको और हल्का सा नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है, कर देंगे हम फिनिश। ओके, के बाद जो हम ये वाला मिरर लगाएंगे यहाँ पे, जो मिरर हमें टाइप कर रखा है इसको इस तरह लगाकर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, शिफ्ट पेज अप करेंगे इसको और इसको हम मैनुअली सेंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद ऊपर करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद जो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लगाए जाएंगे रेक्टेंगल टूल में, एक ऑब्जेक्ट ड्रैग करेंगे यहाँ पे इस तरह करके। ठीक है, इसका हाइट कम करेंगे, इसको इसके इक्वल में लाएंगे, इसके बाद इसको जो है थोड़ा सा और बड़ा करेंगे इस तरह। ठीक है, उसके बाद जाएंगे हमें शिफ्ट टूल में, शिफ्ट टूल से इसके कॉर्नर कर देंगे हम राउंड, उसके बाद इसको कर देंगे हम 100% सियान, सॉरी 100% येलो और 20% मैजेंटा। ठीक है, इसका आउटलाइन कर देंगे 1 पॉइंट। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद ये भी हमारा डिज़ाइन यहाँ तक हो चुका है, इसको कैसा और ऊपर करेंगे हम कैसा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें यहाँ पे टाइप करना है, टाइप क्या करना है वो आपके सामने है। टाइप करना है फैशन, ठीक है, FASHION। ठीक है, उसके बाद इसको हम करेंगे हल्का सा बड़ा इस तरह करके, इसमें करेंगे फिल वाइट, ये इस दूसरा लगा सकते हैं हम कोई सा भी, तो अपने हिसाब से मैं ये फोन लगाऊंगा, इसको करेंगे बोल्ड। उसके बाद जो इसको हम एडजस्ट करेंगे इस तरह करके। ठीक है, इसको इसको हम यहाँ से इस तरह खींच देंगे। ठीक है, फॉन्ट को इसको थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे। अब यहाँ पे एक और टाइप करेंगे न्यू सीजन, ठीक है, न्यू सीजन। ओके, इसको कलर करेंगे जो हमारा कलर चल रहा है कलर करेंगे, और इसका फॉन्ट जो है हमें सेम लेना है ये। ठीक है, उसको इसको हम लगाएंगे यहाँ पर रखें इस तरह करके,
उसके बाद इसको यूं करके हल्का सा यूं ऊपर की तरफ खींच देंगे यहाँ तक। ओके ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो ट्विटर फेसबुक इसका लोगो है, यूट्यूब का लोगो, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ओके उसके बाद ये ट्रेंड, इस ट्रेंड को लाके हमें यहाँ पे लगाना है जो टाइप कर रखा है मैंने। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस दोनों को हल्का सा और ऊपर की तरफ करना है, ठीक है, ये हल्का और ऊपर होगा। और ये जो है यहाँ पर आएगा इस तरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा लोगो आ जाएगा यहाँ पे इस तरफ, शिफ्ट पेज अप। अब इसको जो हल्का सा और हम नीचे करेंगे, इसको हल्का सा और छोटा करेंगे, ठीक है, ये हल्का छोटा होगा। उसके बाद जो यहाँ पे बनाएंगे 50% ऑफ का जो बनाएंगे, हम जाएंगे फिर लिस्ट टूल में, इसको लेकर यहाँ पर ड्रैग करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे कंट्रोल दबा के, ठीक है, लिस्ट टूल जाकर इसको कंट्रोल दबा ड्रैग करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह रखेंगे, ठीक है, इस तरह करके इसको और छोटा करेंगे, कहीं बड़ा है, इसमें फिर करेंगे वाइट, और छोटा करेंगे इसको, ठीक है। इसका एक और ऊपर की तरह इसका कॉपी करेंगे, इस पर करेंगे नन, ठीक है। इसका आउटलाइन देंगे हम येलो, उसको यहाँ से हम कर देंगे इसको 1 point, ठीक है। उसके बाद जो इसको अब ये इस बारे ARC करेंगे, उसको क्या करेंगे हम यहाँ से इसको कर देंगे 50%, ठीक है, और करेंगे इसको 60%, 70%, ठीक है, ये आधे पे आ गया। इसको कर देंगे हम वाइट, क्योंकि है इसका आउटलाइन थोड़ा सा और हम हल्का मोटा कर सकते हैं, यानी पॉइंट जल का बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अप टू, ठीक है, इसको यहाँ कराएंगे। इसका फॉन्ट जो हम चेंज कर देते हैं, फॉन्ट ये लगा देते हैं, ठीक है। इसको करेंगे अनबोल्ट, इसको इसका साइज करेंगे हम 12x17 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे इसको हम सेंटर, सॉरी सेंटर, इसको इसको करेंगे इसके सेंटर, इसके सेंटर, ठीक है। इसको करेंगे हल्का सा ऊपर, इसका नीचे कॉपी करेंगे और इसको टाइप करेंगे 50%, ठीक है। इसको वहाँ का बड़ा करेंगे हम इस तरह करके, इसको यूं करके बड़ा करेंगे, ठीक है। चलो भाई बच्चा यहाँ पे कर देते हैं इसको 45%, ठीक है, 45, ये क्या हो गया 45, ठीक है। और कम करेंगे 40% करेंगे इसको, इसको इसके सेंटर करेंगे, इसके सेंटर एंड इक्वल करेंगे, ठीक है। इसको और ऊपर करेंगे हम, इसको नीचे लेकर आएंगे और इसमें करेंगे हम 50%, ओके, इसको इसके राइट बस और इधर करेंगे हल्का सा, ठीक है, इसको करेंगे हम बोल्ट, ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। ये डिज़ाइन जो हमारा तैयार हो चुका है, प्लीज़ अगर आपको हमारा काम हमारे डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।